बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइकोलॉजी टीचर 101। वेलकम टू आवर चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। टुडे आवर लेसन इज़ लेसन नंबर 26, सेकेंडरी लर्न्ड साइकोलॉजिकल मोटिव्स। लेसन 25 में हमने देखे थे प्राइमरी मोटिव्स कौन कौन से हैं जो कि हमें बेसिकली ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आज हम देखेंगे जब हमारे पास प्राइमरी मोटिव्स मौजूद हों तो हमें सेकेंडरी मोटिव्स में हमें क्या क्या चाहिए। अब सेकेंडरी मोटिव्स में हमारे पास आ जाते हैं अचीवमेंट्स, हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अटेनिंग ऑफ एक्सीलेंस, यानी एक इंसान जब वो कोई मोटिव उसके पास उसे चाहिए, जब उसका डिज़ायर्ड गोल जो है वो पूरा हो जाए तो उसे फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, उसे लोगों से मोटिवेशन चाहिए, उसे अचीवमेंट मतलब अपनी अचीवमेंट के लिए खुद को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है। ये भी इंसान का सेकेंडरी मोटिव है एक। अब यहाँ पर उन्होंने एक मेथड बताया है हम किस तरह मेजर कर सकते हैं अचीवमेंट को, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट के थ्रू, यानी TAT। इस टेस्ट में क्या करते हैं हम वो किसी भी पेशेंट को हम लोग कहते हैं कि आपने एक यहाँ पे ट्री बनाना है और एक पर्सन बनाना है, ठीक है, और एक आपने यहाँ पे कोई भी आपने और चीज़ बनानी है, मतलब उसको हम वहाँ पे ड्राइंग का बोलते हैं। यहाँ पे वो बच्चे जो ड्राइंग करती हैं उसमें उनको पता चल रहा होता है कि वो क्या चीज़ उनकी क्या थिंकिंग है, क्या उनकी फीलिंग है, क्या वो चाह रहे हैं मज़ीद बनाने के लिए, क्या अपनी ज़िंदगी में मज़ीद चाह रहे हैं। TAT जो टेस्ट है ये एक पिक्चर होती है जो प्रेजेंट करती है इंसान की पूरी स्टोरी को, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देखेंगे क्यूरसिटी हमारे सेकंड मोटिव है। इसमें क्या होता है, बच्चे जो होते हैं क्यूरियस होते हैं, चीज़ों को वो तोड़ के देख रहे होते हैं, टॉयज को आपने देखा होगा बहुत बच्चे क्यूरियस होते हैं इस चीज़ के बारे में, ये उनका एक सेकेंडरी मोटिव होता है जो कि वो खुद को सेटिस्फाई करने के लिए क्यूरियस रहता है हर वक्त कोई ना कोई चीज़ गेन नॉलेज करने के लिए। आगे आ जाती है हमारे पास सिम्बोलिक रिवार्ड यानी अप्रेजल। सिम्बोलिक रिवार्ड अप्रेजल से क्या मुराद है, यह एक मोटिव है जो कि हर इंसान चाहता है कि उसको प्रेजिंग वर्ड्स के थ्रू मोटिव किया जाए, जैसे किसी को गुड कहना, एक्सीलेंट कहना, ये चीज़ें प्रेजिंग रिवार्ड में आ जाते हैं। आगे नीड ऑफ एफिलिएशन, नीड ऑफ एफिलिएशन में क्या होता है, इंसान जो होता है उसे ज़रूरत होती है सोशल कॉन्टैक्ट की, मेकिंग फ्रेंड्स और दूसरे लोगों के साथ उनका आपस में कम्युनिकेशन करना, ठीक है। उनकी जो लोग बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड और अलोन हो जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फिर फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं, यानी फिर नीड ऑफ एफिलिएशन हमारा सेकेंडरी मोटिव है जिसकी हमें ज़रूरत है। आगे नीड ऑफ पावर, हर इंसान जो है उसे पावर की ज़रूरत होती है, ठीक है, हर इंसान जो है पावरफुल होना चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में और अपने दूसरे प्रोफेशन में, ठीक है। आगे आता है वर्क, अब वर्क भी जो है हमारा वो सेकेंडरी मोटिव है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंसान जो होता है दूसरे से पावरफुल बनने की कोशिश करने के लिए अपने ज़िंदगी का लाइफ जो है अपनी लाइफ का टाइम जो है उसको स्पेंड करता है मुख्तलिफ कामों में, अचीवमेंट में, एफिलिएशन में, डिसीजन मेकिंग में वो काम कर रहा होता है। आगे आ जाते हैं थेरीज इसकी जो कि मोटिव्स को एक्सप्लेन करती हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंस्टिंक्ट थेरी। इंस्टिंक्ट थेरी जो है ये डिटरमिन करती है इंसान का वो बिहेवियर जो वो बॉर्न ले के पैदा हुआ है, ठीक है। वो हमारा बिहेवियर जो है हमें इंस्टिंक्ट हमारे अंदर मौजूद होता है पहले से, ठीक है। ये बायोलॉजिकल ड्राइव्स भी होते हैं, इसमें वेरिएबल्स भी आ जाते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को ड्राइव करते हैं। जो शॉर्टकमिंग्स हैं इसकी वो क्या है, यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हमारी प्राइमरी होती हैं, यहाँ पे विलियम और डॉगल ने इसको एक्सप्लेन किया था, प्रपोज़ किया था कि जो हमारी इंस्टिंक्ट्स ड्राइविंग फोर्स होती हैं ये मेन फोर्स होती हैं इंसान की, जो कि इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पर उन्होंने ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की बात की हुई है, इसमें क्या है बायोलॉजिकल फिजिकल जो नीड है वो इंसान को अराउसल की तरफ लेके जाती हैं, टेंशन प्रोड्यूस करती हैं और इंसान उसकी वजह से उसको अचीव करने के लिए मोटिवेट होता है अपनी बायोलॉजिकल नीड्स को, अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स को। यहाँ पे ड्राइव क्या है, ड्राइव जो होता है ये एक अरोजल होता है, एक मोटिवेशनल टेंशन होती है हमारे अंदर, एनर्जी होती है अपने बिहेवियर को एक्शन लेने के लिए। आगे हमारे पास होम्योस्टेसिस आ गया। होम्योस्टेसिस क्या, ये एक स्टेबल वेल मेंटेन इंटरनल बायोलॉजिकल बैलेंस है हमारी बॉडी का, यानी अपने बॉडी को हम इंटरनली जो बैलेंस रखते हैं वो होम्योस्टेसिस में आ जाता है। आगे आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ड्राइव्स। अब प्राइमरी ड्राइव्स कौन से हैं, जितने भी हमारे बायोलॉजिकल ड्राइव्स हैं जो हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में भी, हंगर, थर्स्ट, स्लीप, सेक्स, एयर वगैरह। और सेकेंडरी ड्राइव्स में आ जाते हैं हमारे जितने भी सोशल ड्राइव्स हैं, हमारे जितने भी अचीवमेंट ड्राइव्स हैं, अकेडमिक अचीवमेंट वगैरह, ये तमाम चीज़ें। इस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि इंसान जो है
वट अबाउट क्यूरियोसिटी रिस्क टेकिंग बिहेवियर, यानी रिस्क टेकिंग बिहेवियर के बारे में बात नहीं की गई, ड्राइव रिडक्शन अलोन के बारे में बात नहीं की, इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था इस थ्योरी पे। आगे मेरे पास आई है तीसरी थ्योरी, अरोजल थ्योरी। अरोजल थ्योरी में क्या है, हम देखते हैं हमारा एक्साइटमेंट किसी भी नीड के लिए, हमारी कितनी एक्साइटमेंट होती है, हम कितना अंदर अरोजल होता है, ठीक है, हम कितना स्टिमुलेंट होते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए और किस तरह मेंटेन करते हैं उस काम को, उसके लेवल को। आगे आ जाते हैं हमारी इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी में क्या हम देखते हैं, मोटिवेशनल स्टेट है ये ऑर्गेनिज्म की, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं इंसान के पॉजिटिव और नेगेटिव इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को। कुछ चीज़ें हमें नेगेटिवली स्टिमुलाई कर रही होती हैं, हमें वो ड्राइव करती हैं कि आप ये नेगेटिव काम करें, कुछ हमें ट्रिगर करती हैं पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव काम करने के लिए एनर्जाइज करती हैं। ये इस थ्योरी में मेन बात की गई थी, लेकिन इस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ था कि वट अबाउट मोटिवेशनल प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल ट्राइज टू फुलफिल नीड, नो अपेरेंट इंसेंटिव प्रेजेंट। मतलब इन्होंने यहाँ पे अपेरेंट इंसेंटिव नहीं बताया कि कैसे वो किस तरह उसको इफेक्ट करेगी एप्टीट्यूड को, और यहाँ पे ये भी नहीं बताया गया कि अपेरेंट इंसेंटिव अवेलेबल होगी तो फिर इसमें कौन सा फैक्ट जो है वो थ्रेट होगा। आगे हमारे पास कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें उन्होंने क्या बताया था, इंपॉर्टेंस बताई थी कि जो हमारे कॉग्निटिव प्रोसेस होते हैं माइंड के अंदर मोटिवेशन, उसको एक्सप्लेन किया था, जैसे हमारी थॉट्स आ जाती हैं, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशंस, अंडरस्टैंडिंग और उनको इवेलुएट करना, ये चीज़ें इंसान को हमेशा मोटिवेट करती हैं। आगे हमारी आ जाती है एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी। एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं, जो हमारी होप्स होती हैं बिहेवियर हमारे किसी सर्टन गोल को अचीव करने के लिए हमारे होप्स होती हैं, वो हमारे बिहेवियर को एंटिसिपेट करती हैं। आगे वैल्यू क्या होती है, द परसेप्शन अप्रेजल। जब हम परसेप्ट कर लेते हैं, अपने अंडरस्टैंड कर लेते हैं अपने गोल की वैल्यू को, परसेप्ट यानी हम उसका मीनिंग समझ लेते हैं हमारे गोल का, तब वो वैल्यू हो जाती है। आगे हमारे पास आगे इंटरेस्टिंग एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरेस्टिंग कौन से हैं, जो हमारे इंटरनल मोटिवेशन होते हैं, जो हमें एनर्जाइज करते हैं कोई भी गोल को हासिल करने के लिए, इसमें कोई भी एक्सटर्नल टेंजिबल नहीं होता। आगे आ जाते हैं इसमें एक्सट्रिंसिक जो है वो हमें मनी की तरफ, सोशल कॉन्टैक्ट की तरफ, यानी जो इन्वायरमेंटल जितने भी बाहर की आ जाती हैं चीज़ें, वो हमें जो मोटिवेट करती हैं वो आ जाती हैं एक्सट्रिंसिक में। आगे आ जाते हैं अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो। इसने एक की पॉइंट दिया था, इसकी एक थ्योरी थी जिसमें उसने एक ट्री बनाया था कि इंसान किस तरह खुद को सेल्फ एक्चुअलाइज्ड समझता है। इसमें इसने इंसान की कुछ बेसिक नीड्स बताई थी, किस तरह इंसान की पहली नीड्स क्या होंगी, नेक्स्ट नीड्स क्या होंगी। अब इसका हम देखते हैं हायरार्की। इसके हायरार्की में सबसे पहला आता है टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो बंदा सेल्फ एक्चुअलाइज होता है जिसे लगता है कि उसने हर चीज़ जो है अपनी डिज़ायर जो है पूरी कर ली है, अपनी ऑप्टिमल लेवल है ये इंसान का, जब उसे लगता है उसने हर चीज़ हासिल कर ली है। अब इसकी जो कैटेगरीज थी नीड्स की, वो क्या क्या थी, मेटा नीड्स जो होती हैं वो ग्रो करने के लिए, फॉर मीटिंग डेफिशिएंसी, जैसे कि हम एक्सप्रेस करते हैं किसी भी नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में, और डेफिशिएंसी नीड्स वो होती हैं जो एब्सेंट होती है हमारे अंडरलाइंग रिक्वायरमेंट्स को ट्रिगर करने के लिए। आगे आ जाती है इंट्रैक्शन इसकी नीड्स बिहेवियर में। अब फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी होती हैं जो फुलफ़िल करते हैं हम, हंगर वगैरह, फूड वगैरह और सेफ्टी। हम जब फिजियोलॉजिकल नीड्स इंसान की पूरी हो जाती हैं, उसे खुराक मिल गई हर चीज़, सेकंड लेवल पे इसकी फिर आ जाती है सेफ्टी नीड्स। अब उसे सेफ्टी चाहिए, ठीक है, वो सेफ्टी के लिए क्या करेगा, प्रोफेशन करेगा, जॉब करेगा, ठीक है, उस यहाँ पर लव बिलोंगिंगनेस, फुलफ़िलमेंट थ्रू मैरिज, फ्रेंडशिप, इस तरह की चीज़ें वो करेगा। अब नेक्स्ट जब उसकी सेफ्टी भी कंप्लीट हो गई है, अब उसे एस्टीम चाहिए, अब उसे अवार्ड्स, ऑनर्स और स्कॉलरशिप्स, पे वगैरह चाहिए, ठीक है, जब वो काम कर रहा है, जॉब कर रहा है। नेक्स्ट उसका आ जाता है फोर्थ नंबर पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब उसने हर चीज़ कर ली, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए वो राइटिंग करेगा, पेंटिंग करेगा, सिंगिंग करेगा, ठीक है, ख़ुद को वो आइसोलेट नहीं रहेगा वो। और अब इस पर क्रिटिसिज्म क्या की गई थी, वी कैन एक्चुअली ऑल ऑफ केस डिस्ट्रीब्यूट नियरली ऑर्डर दीज नीड्स। वो अब कह रहे हैं कि हम नीड्स के मुताबिक इसको वाकई इस तरह कर सकते हैं। अब इस पर उन्होंने क्रिटिसिज्म की थी बहुत ज़्यादा। यहाँ तक था हमारा आज का लेसन। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।